मैं पीसी ज्वेलर्स पे अपडेट लेके आया हूँ। आज 20 तारीख है और 20 दिसंबर 2018 है और देखेंगे तो आज ये 84-84 पीसी ज्वेलर्स ने पीसी 84-44 पे क्लोजिंग दी है। डेली मुझे इस पर रिक्वेस्ट आता है कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं। डेली इसमें बनाना वीडियो थोड़ा सा तकलीफ देगा काम है, क्योंकि डेली इसमें कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। अगर कोई पैटर्न बनता तो मैं आपको 100% आपको बता देता कि वही अभी चलेगा। ये 70 to 95 ये रेंज में ये ट्रेवल करने वाला है। बट चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या दिखा रहा है, तो शॉर्ट टर्म में एक जो ट्रेंड चार्ट बन रहा है उसके आधार पे ये पॉजिटिव आपको 95 के आसपास हो सकता है। आपको एक बार दिखा सकता है 95 की ओर दिखा सकता है आपको यहाँ पे। तो आप अभी देखेंगे आज का टुडे जो हाई लो था वो 83.10 था और हाई जो था 86 का था। तो 86 का हाई था तो आप देखेंगे यहाँ पे 83 to 86, लेकिन लो पे आकर के वापस इसने 83 के आसपास क्लोजिंग दी है। शॉर्ट टर्म में ये अप ट्रेंड अप डाउन दिखा रहा है, बट ये आपको कल परसों में हो सकता है 2-4 दिन में आपको नेक्स्ट वीक में एक बार ये पिकअप अप दिखा करके क्लोजिंग दे। हो सकता है एक बार ये 95 की ओर आपको ट्रेंड दिखा करके दे। और वॉल्यूम में देखेंगे तो 1,35,00,000 का वॉल्यूम हो रहा है, जो 4,79,94,000 का हो रहा था वो अब थोड़ा सा वॉल्यूम कम होकर 1,35,00,000 हुआ है। वॉल्यूम में भी यहाँ पे भी देखेंगे तो वही वॉल्यूम चल रहा है 8-9%, थोड़ा 10% यहाँ पे दिखा रहा है, 7-8% की वॉल्यूम में वही दिखा रहा है। आज का जो वॉल्यूम देखेंगे 1,35,00,000 में 11,82,583 शेयर का डिलीवरी हुआ है, तो 8.7% की डिलीवरी हुई है। तो ऐसा कोई बहुत खास इसमें डिलीवरी नहीं हुई है। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगेन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अब एक बार ये देखिए जो इसका 52-week डेमा है ना, 100 का डेमा है वो 94 है, 94.99। तो यहाँ पे एक बार ये कोशिश करेगा 95 को टच करने की कोशिश करेगा। तो अभी जो चार्ट पैटर्न बना है ये अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ये चार्ट पैटर्न, तो आप देखेंगे ये हर बार 85 को यहाँ से टच करता है और वहाँ से फिर नीचे आ रहा है। ये देखिए आज दिन भर में कितने बार ये ऊपर यहाँ पे टच किया, देखिए ये यहाँ पे वापस एक बार कोशिश किया 1:44 पे 85 को क्रॉस करने के लिए, फिर नीचे फॉल कर गया और फिर एक बार यहाँ पे देखेंगे तो फॉल किया। तो एक बार यहाँ एक लास्ट मोमेंट पे देखिए तो एक बार यहाँ पे 2:42 पे और एक बार ये 3:24 पे दो बार बॉटम फॉर्म किया और एक बार स्पाइक लिया है लास्ट लास्ट मोमेंट पे। आप देखेंगे तो एक स्पाइक लेके क्लोज किया है। तो हो सकता है इस बार थोड़ा अपवर्ड की ओर आपको दिखा है, लेकिन वॉल्यूम चार्ट पैटर्न का तो निगेटिव है। बट एक बार आपको हो सकता है कि ये ट्रेंड जो डबल बॉटम यहाँ पे देख रहे हैं, 1 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट के चार्ट पे दो बार बॉटम बनाया है, तो हो सकता है कि जब भी नीचे आए तो ऊपर की ओर एक बार लेके जा सकता है आपको। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक बार आपको अप ट्रेंड दिखा दे 95 तक दिखाए, बट अल्टीमेटली इसको तो जाना है वापस 65 के आसपास ही और 70 इसका एक बार जो 75 के आसपास, 75 के पास इसका स्ट्रॉन्ग बेस लगता है बन गया है। अगर ये शॉर्ट टर्म में अगर ये आपको नीचे नहीं दिखाता है और ये मेंटेन कर रहा है जिस तरह से इस पूरा महीने मेंटेन किया है, इससे दिखता है कि ये अब नीचे जाने को एक बार तैयार नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। अगर ये वापस अपने पुराने लो को नहीं तोड़ता है तो शायद मुझे लगता है कि अब ये अपने पुराने बेस को बनाने 46-47 के बेस को वापस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। इनफैक्ट 70 वो जो हो सकता है आपको वो भी देखने को नहीं मिले। तो हो सकता है ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा हो यहाँ पे और ये अभी एक रेंज में रेंज बाउंड चलेगा, तो एक स्पाइक आने की संभावना है। तो अगर वापस आपको नीचे की ओर आए तो आप इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अपने जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे एक बार अप डाउन दिखाए क्योंकि पूरे महीने ये इस रेंज में क्लोज रहा तो वह एक अच्छी बात है। पूरे मंथ की अगर रेंज देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो पूरे महीने को क्लोज कर रहा है, एक रेंज में क्लोज कर रहा है। तो ठीक है, अगर ये आपको 95 में मिलता तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ बुक करना है आपको और फिर नीचे की ओर आना है। यहाँ पे भी अगर हमें जाके इसके डेरिवेटिव पैटर्न पे देखें तो 84 के एट द मनी देखें, 85 पे देखें तो 85 पे कॉल साइड में 28,005 का ऐड हुआ है और पुट साइड में 48 का राइट ऑफ हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 68,25,000 जो है ओपन इंटरेस्ट कॉल की ओर है और पुट की ओर 38,07,000। तो लास्ट वीक अब बचा है और उसमें भी कॉल साइड में आपको पोजीशन यहाँ पे देखा, अभी भी लोग पोजीशन है। मीन 100 तो ये किसी हालत में क्रॉस नहीं करेगा और 85 पे भी इसका 15,00,000 है, तो 85 भी ये क्रॉस अभी नहीं कर, ऐसा दिखता है कि यहाँ से 85-90 की ओर जाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि 85 और 90 पे सेम रेसिस्टेंस है। तो
एक बार यहाँ पे आपको 85-90 अगर क्रॉस करता है तो हो सकता है 95 भी देखने को आपको मिल सकता है। तो अब यही रेंज में आपको खेलते हुए दिखेगा। नीचे आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको आप देखेंगे 70 पे 6,69,000 का और 75 पे आपको 5,71,000 का और 75 पे आज ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हुआ है। तो 75 के एक सपोर्ट को ये बेस बना रहा है और ऊपर की ओर 90-95 की ओर जा रहा है। तो 75 से 95 का ये सपोर्ट लगता है इस महीने के लिए सफिशियंट रहेगा। और इस महीने जो दिख रहा है अभी कि कॉल साइड में ज़्यादा पोजीशन है तो लोग पॉजिटिव ट्रेंड में चाहे 2 रुपये का ही 1 रुपये को पॉजिटिव ट्रेंड की ओर ज़्यादा अपने आप को देखना चाह रहे हैं। तो 27 दिसंबर से तो यही पोजिशन पता चल रहा है, यही ट्रेंड पता चल रहा है। और अगर बात करें हम तो कहाँ नेक्स्ट महीने का पोजिशन बन रहा है तो 5,39,598 इक्वल पोजिशन बनाया गया जनवरी के लिए। 80 के 2,14,000 का सपोर्ट है, 80 का सपोर्ट दिखा रहा है, अच्छा खासा रेसिस्टेंस दिखा रहा है और नीचे 60 का सपोर्ट दिखा रहा है। यहाँ पे अभी तक जो लास्ट अगले महीने का ट्रेंड बना है वो ऐसा बना है, 60 और 80 का ट्रेंड बन रहा है अभी तक जो पोजीशन लोगों ने बनाया है उसके अनुसार। और इक्वल पोजीशन अभी तक 5,39,598 कॉल साइड में थोड़ा सा गया तो 40-50,000 ज़्यादा है, इससे कोई ट्रेंड पता नहीं चलता। बट अगर इसको यहाँ पे एक थोड़ा सा पता चलता है अगर इस रेसिस्टेंस को समझे, इसको नीचे सपोर्ट की ओर है 84.06 का सपोर्ट है, यहाँ से पिकअप लेकर के ऊपर चला जाता है तो 84 नहीं तोड़ता है तो आपको ऊपर की ओर एक बार ये ऊपर की ओर जो आज देखेंगे आज की क्लोजिंग जो दिया है इसने 84.40 पे दिया है। अगर मैं इसको इस पे देखो देखें 22 सेंटीमीटर 78% के 22 सेंटीमीटर से ये काम कर रहा है। और अगर मैं वेटेड एवरेज वॉल्यूम में देखूँ तो थोड़ा सा निगेटिव है, मार्जिनल निगेटिव है। 84 वेटेड एवरेज बोलता है 84.76 और 84.40 पे क्लोज हुआ है तो मार्जिनल निगेटिव है। मिस लगता है आपको ये महीने की एक्सपायरी ऐसे ही घुमा घुमा करके 2 से 5 रुपये में कर सकता है और नहीं तो एक बार अपर ट्रेंड में आपको हो सकता है कि 90-95 को भी दिखा सकता है, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं, ये किसी भी हालत में 95 तो क्रॉस करेगा नहीं। आज एक ब्लॉक डील हुआ है इसमें आप देखेंगे आज के दिन में, तो ये 14 दिसंबर को हुआ, आज के दिन में नहीं हुआ, 14 दिसंबर के दिन में हुआ है। और अगर इसके मूविंग एवरेज को भी देख लें डेली बेसिस पे, इसके मूविंग एवरेज को एक बार चेक कर लें तो आप देखेंगे यहाँ मूविंग एवरेज भी एक बार देखते हैं यहाँ पे, तो ये 9 दिन और 21 दिन के मूविंग एवरेज और 51 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर मूविंग एवरेज बेसिस पे बात करें तो आज की क्लोजिंग 84.40 दिया है जो डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दे रहा है। तो एक बार जैसे मैंने आपको बताया कि 94 का हो सकता है ये सिग्नल आपको एक बार 94 के लिए शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, पॉजिटिव ट्रेंड लगता है। यहाँ चार्ट पे भी पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है कि नीचे की ओर बॉटम बना लिया है, 2 बार बॉटम बनाया आज 1 मिनट के चार्ट पे, तो एक बार तो स्पाइक लेके ऊपर जाने की संभावना है। और अगर किसी भी हालत में ये आज भर के दिन का अगर आज भर का दिन का हाई जो है ये है 85.50 है, अगर इसको मैं डेली चार्ट पे ले लूँ इसको तो आज का जो हाई है 86 को क्रॉस करता है तो आपको हो सकता है एक बार 90-95 की ओर लेके जाके दिखा सकता है आपको। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी यही पोजीशन है। इन इस पूरे महीने के ट्रेंड से एक चीज़ तो क्लैरिटी पता चल रही है कि ये अब थोड़ा सा नीचे जा कर के अपने आप सपोर्ट बना रहा है और अब देखेंगे तो धीरे धीरे मंथ वाइज अगर इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें तो जहां अक्टूबर का लो 46 का था वहां पे 59 का लो बनाया है और इस बार का जो लो बन रहा है 60 के आसपास का लो बन रहा है तो लोअर जो है हाई की ओर बन रहा है। तो आप एक चीज़ समझ लें कि अब 46 वापस आपको शायद देखने को नहीं भी मिले तो लोअर हाइयर हाई की लोअर हाई की ओर पैटर्न बन ये बनाया जा रहा है। अब कंटिन्यूस यहाँ पे देखेंगे तो लोअर हाई लो यहाँ से अब मंथ वाइज में ऊपर की ओर बन रहा है तो एक अच्छी बात है, अच्छा पैटर्न है। और आपको अगर एक बार 95-96 का ये पैटर्न अगर आपको किसी भी तरह 109 का हाई दिखाता है क्रॉस करता है तो समझिएगा फिर 140 का हाई दिखाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो वीकली बेसिस पे देखें तो एक अच्छा 118-120 क्रॉस करने दीजिए इसको, अगर ये क्रॉस करता है तो 179-180 भी दिखा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाइए, अब ये हो सकता है अपर हाई की ओर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चालू कर दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखेंगे जो 46 दिखाया लो आपको अक्टूबर में, नवंबर में उसने नहीं दिखाया लो, 59 का लो दिखाया और दिसंबर में 60 का लो दिखाया,
तो अब जो लो बना रहा है वो आपको ऊपर की ओर दिखा रहा है, और हर बार आपको 46 के बाद 59, तो 13 रुपये का आसपास आपको ऊपर दिया, और 59 के बाद एक बार 60, 1 रुपये का भी लो दिया है, ज़्यादा बनाया नहीं है, बट उसी लो के आसपास आपको दिखा है। और थोड़ा सा इसके पैटर्न को भी देखें तो वॉल्यूम पैटर्न से भी देखें तो इसकी बड़ी जो बुलिशनेस बता रही है, ये भी एक अच्छी बात है कि अगर बुलिश पैटर्न पे बना रही है तो अभी तक तो चलो पूरा महीना ख़त्म नहीं हुआ, 22 तारीख ही है, तो अगर ये पैटर्न जो देखे इस इन सबसे आपको खुद दिखेगा कि ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है यहाँ से। अगर तो शॉर्ट जोन में ऐसा भी होगा, जो लोग शुरू से सेल करते हुए आ रहे हैं तो उनके पास अब सेल करने की कैपेसिटी भी हो सकता है ख़त्म हो गई, तो ये पॉजिटिव है। और अगर हायर लो बन रहा है तो अब ट्रेंड एक बार हो सकता है आपके लिए दिखा दे, तो हो सकता है इसका लोअर जो 46 का है वो बेस अब बन गया, और अब इसको 46 के नीचे जाना थोड़ा सा टफ काम दिखता है। तो अब 46 शायद नहीं जाए, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो हो सकता है 60 भी अब नहीं तोड़ेगा वो, तो लोअर साइड में अगर आता है तो आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना आप देख भी सकते हैं। बाकी आपको जो भी पोजीशन बनानी हो, डायरेक्ट बनानी हो, इनडायरेक्ट बनानी हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बनाएं। लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना आप चालू कर सकते हैं, लो जो लो है वो हाइयर पैटर्न पे चालू हो चुका है बनाना, बना रहा है, तो अच्छा रहेगा आप पैटर्न बनाएंगे। और एक बार अगर मैं इसको दिखाऊं आपको 1 मिनट चार्ट पे, तो एक बार नीचे बॉटम आ चुका है, तो एक बार यहाँ स्पाइक लिया तो एक बार इसको टच करेगा, तो आपको ये टच करके अगर क्रॉस करता है 84.61 जो है इसको, ये 85 मान लीजिए क्रॉस करता है, तो आपको एक साइड अपसाइड ऊपर की ओर दिखा सकता है, तो एक अच्छा पैटर्न भी है। और 4 आवर के पैटर्न को भी देखें को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो इसका ये है, ये बार बार यहाँ से आप देखेंगे ये लेवल पे एक बहुत बड़ा इसका ये है 108, वही नहीं क्रॉस कर रहा है, तो करने दीजिए, अब धीरे धीरे ट्राई तो कर रहा है, 5-5 रुपये अपर लो दे रहा है, तो हो सकता है कि इस महीने की क्लोजिंग अगर लो तो बना दिया, अगले महीने का जो लो है फिर से एक बार आपको अगले महीने में 65-70 के आसपास आपको देखने को मिले तो वहाँ पे आपको बाई करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अब भाग जाएगा, बहुत अब भागने का सिचुएशन उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी पोजीशन आप देख के फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बनाइएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।